हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की न्यू आने वाली मूवी की। ऋतिक रोशन जिनकी हाल ही में विक्रम वेदा मूवी आई थी, जो फैंस को ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी और ना ही ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस कर सकी। लेकिन अब आ रही है उनकी न्यू मूवी जिसका नाम है फाइटर। फाइटर मूवी की कास्ट में कौन कौन है, बजट कितना है, बड़ी स्क्रीन पर नजर कब आएगी और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, ये सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर इस मूवी के बजट को देखें तो वो 130 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। और ये मूवी 25 जनवरी 2024 को हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो वो है सिद्धार्थ आनंद, जो कि वार हम तुम जैसी मूवी को डायरेक्शन दे चुके हैं और अब वो इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं। और दोस्तों अगर हम इस मूवी की कास्ट को देखें तो अनिल कपूर और दीपिका शामिल हैं। दीपिका जो कि पद्मावत, ओम शांति और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुकी हैं और अब वो इस मूवी में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए आ रही हैं। ये मूवी एक्शन थ्रिलर से भरपूर है और जब इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आएगा तो किस तरह के रिव्यूज उसको मिलते हैं, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या नहीं। अगर इसके ट्रेलर को क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज़ दिए तो यकीनन ये मूवी एक अच्छा बॉक्स ऑफिस करेगी। ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके एक्शन सीन और डांसिंग बहुत ही बढ़िया होती है। और अब देखना ये है क्या वो अपने एक्शन सीन्स और डांसिंग से अपने नाराज फैन को खुश कर सकेंगे या नहीं, और विक्रम वेदा मूवी पर लगे दाग धो सकेंगे। व्यूज आपको क्या लगता है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या एक बार फिर विक्रम वेदा की तरह फ्लॉप होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।